दुनिया में ऐसी जेल शायद ही कहीं हो जहां खुलेआम इतनी बड़ी गैंग वॉर होती है कि कई कई हत्याएं हो जाती हैं। जेल में हमला कर लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और काटे गए सिरों से फुटबॉल तक खेली जाती है। ये सब अल साल्वाडोर की जेलों में होता है, इसलिए अल साल्वाडोर की जेलों को दुनिया की सबसे खतरनाक और भयावह जेल माना जाता है। ये सब इसलिए भी होता है कि होंडुरास और अल साल्वाडोर के खूंखार ड्रग कार्टेल गिरोह न सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देशों के कई शहरों को चलाते हैं बल्कि वो जेलों को भी नियंत्रित करते हैं। जेलों पर नियंत्रण की कोशिश अक्सर भयावह किस्म की लड़ाइयों में बदल जाती है। डेली स्टार की रिपोर्ट में होंडुरास के पत्रकार मार्सल ओर्सोटो कहते हैं कि भीड़ भाड़ वाली और हिंसक जेलों को गिरोह के आका अपनी अस्थायी मुख्यालय की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अधिकांश हत्या के आदेश जेलों से आते हैं जहां गिरोह के सरगना बैठे हैं। फोन और दूसरी चीजों तक पहुंच के कारण वो जबरन वसूली और हत्या आक्रमण का आदेश देते हैं। क्रूर MS-13 और बैरियो 18 के गिरोह के मालिक शराब के व्यापार को भी जेलों से ही नियंत्रित करते हैं। उनका कहना है कि जेल कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी भी गिरोह के नियंत्रण में रहते हैं। अक्सर ही दो प्रतिस्पर्धी ड्रग कार्टेल के बीच की प्रतिद्वंदिता सलाखों के पीछे हिंसा में बदल जाती है। मार्सिल बताते हैं कि होंडुरास की राजधानी तेगुशिकाल्पा से 12 मील दूर महिलाओं की जेल पर एक सशस्त्र बेरियो 18 हिट दस्ते ने हमला कर दिया और कैदियों पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गैंगस्टरों ने संदिग्ध MS-13 समर्थकों को घेर लिया और उन्हें भागने से रोकने के लिए इलाके में आग लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह पर महिलाओं की जली हुई लाशें पड़ी थी। कुल 41 लोग इसमें मारे गए थे। राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो ने इसके बाद कहा कि जेल प्रहरियों को पहले से पता था कि गिरोह के सदस्य हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद सरकार ने जेल में सुधार के लिए कठोर कदम उठाने का ऐलान किया। देश भर की जेलों पर छापे मारे गए और तलाशी ली गई, जिसमें पिस्तौल, असॉल्ट राइफलिंग, गोला बारूद, हथगोले, नकदी और आभूषण तक मिले, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 मिलियन पाउंड थी। दूसरी ओर अल साल्वाडोर की जेलें और भी अधिक अराजक और खतरनाक हैं। साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेल ने भी वादा किया कि जेलों में अनुशासन सख्त किया जाएगा, जिससे कैदियों तक वेश्याओं, मोबाइल फोन और कंप्यूटर का पहुंचना रुक जाएगा। अल साल्वाडोर की सबसे बड़ी जेल एस्पेराजा में जेलर अपने कैदियों से डर में रहते हैं। अत्यधिक भीड़भाड़ वाली जेल में 10,000 के लिए डिजाइन की गई जगह में 33,000 कैदी हैं। मार्सेल का कहना है कि यहां एक गिरोह के सदस्य ने यहां अपने गार्डों की हत्या कर दी और एक का सिर काटकर उसके साथ फुटबॉल खेला। अल साल्वाडोर की लगभग 2% वयस्क आबादी सलाखों के पीछे होने के कारण देश में कारावास की दर बहुत अधिक है। फरवरी में राष्ट्रपति बुकेल ने नए 40,000 क्षमता वाले आतंकवाद कारावास केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की, जिसे सबसे हिंसक और खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अल साल्वाडोर के जेल निदेशक ओसिरिन लूना ने कहा, 410 एकड़ की नई जेल की सुरक्षा 600 सैनिक और 250 पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। यहाँ उन आतंकवादियों को रखा जाएगा जिन्होंने हमारे प्यारे साल्वाडोरियन लोगों को परेशान किया। पिछले साल गिरोह से संबंधित हत्याओं में भारी वृद्धि के बाद अल साल्वाडोर के अधिकारियों ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जिससे पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी की अनुमति मिल गई और जेलों में भीड़ बढ़ गई। आपने एक से अधिक भयानक जेलों के बारे में सुना होगा। कहीं कैदियों को मारकर उल्टा लटका दिया जाता है तो कहीं कैदी ही एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। किसी जेल में कैदियों को घंटों पानी नहीं दिया जाता तो कहीं महिलाएं पुरुष कैदियों की पिटाई करती हैं। मगर आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही 67,000 कैदी भेजे गए थे, लेकिन अब खौफनाक सच सामने आया है। जेल से अपराधियों की डेड बॉडी निकल रही है। मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। बीते दिनों 67,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जेलें कम पड़ने लगी तो सरकार ने एक विशेष जेल का निर्माण करवाया। उसी समय इसे सबसे क्रूर कारागार कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को घुटनों के बल रखा गया था। उनके शरीर पर खास तरह के टैटू बनवाए गए थे। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक अब खबर आ रही है कि इन कैदियों में से 153 की मौत हो गई। हाल ही में उनकी डेड बॉडी निकाली गई है। मानव अधिकार समूह क्रिस्टोसल ने ये रिपोर्ट पेश की है। कहा गया है कि जिन लोगों की मौत हुई
उनमें से किसी को भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। जिन अपराधों में इन्हें गिरफ्तार किया गया उनकी पूरी सुनवाई तक नहीं हुई। मरने वालों में 4 महिलाएं कैदी और बाकी सब पुरुष कैदी थे। जेल में इन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि इनकी मौत हो गई। इनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, गलत अंगों पर प्रहार किए गए हैं। आधे लोगों की मौत तो मारपीट करने से हुई, जबकि कुछ लोगों की मौत कुपोषण से हुई। यानी यहाँ लोगों को पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता। रिपोर्ट से खौफनाक सच सामने आया। पता चला कि जेलों के सुरक्षा कर्मी और अधिकारी इनके साथ बुरा सलूक करते थे। बीमार होने पर इलाज तक नहीं किया जाता, जानबूझकर दवा और खाना समय से नहीं दिया जाता। हालांकि सरकार ने कैदियों की मौत की संख्या अब तक नहीं बताई है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कई लोगों को बिजली के झटके दिए गए। एल साल्वाडोर में 2 गैंग्स का खौफ चलता है, मारा सल्वाडुचा और 18 स्ट्रीट गैंग। ये दोनों गैंग्स अपना डर लोगों में बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा मर्डर करते हैं। इनमें से मारा गैंग के मेंबर्स की पहचान इनके टैटू से की जाती है। मौका मिलते ही एक गैंग दूसरे गैंग मेंबर का मर्डर करने के लिए तैयार रहता है। इस देश में मारा गैंग का खौफ इतना ज्यादा है कि इसके मेंबर्स के लिए अलग से जेल बनाई गई है। पैनल दी सियुदाद वरियोश नाम के इस जेल में 800 कैदियों की जगह है, जिसमें फिलहाल 2600 क्रिमिनल्स रहते हैं। पैनल द सियुदाद वरियोस जेल में देश की पुलिस भी जाने से डरती है। इस देश के बाहर आर्मी का पहरा रहता है, वो वहीं से अंदर नजर रखते हैं, लेकिन जेल के अंदर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता। दरअसल मारा गैंग के लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वो छोटी सी बात पर भी मर्डर कर देते हैं। यही कारण है कि जेल के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड रहना पसंद नहीं करता। इस जेल के कैदियों के साथ एल साल्वाडोर की आर्मी जानवरों जैसा बर्ताव करती है। उनका मानना है कि ये लोग इसी लायक है। मेडिकल सुविधा के नाम पर कुछ गद्दे कमरे में बिछा दिए गए हैं। कई बार कैदियों के बीमार होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से भी मना कर दिया जाता है। कई बार तो कैदियों की मौत तक हो जाती है। पहली नजर में एल साल्वाडोर का डाउनटाउन अपने ट्रैफिक, शॉपिंग मॉल और अमेरिकी फास्ट फूड चेन के साथ मियामी जैसा लगता है। हरे भरे उपनगर शांत दिखते हैं और गैंग वॉर के लिए मंच प्रदान करने की तुलना में स्थानीय टोपियरी कलाकारों के काम को प्रदर्शित करने की अधिकांश संभावना है। ग्रामीण इलाकों में आगे बढ़ने पर मुख्य सड़कें अच्छी हैं। चर्चों पर अक्सर ताजा रंग रोगन किया जाता है और FMLN और एरिना पार्टी के बैनर और झंडों में लोकतंत्र जीवित और अच्छी तरह से दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि स्कूलों को कांटेदार तारों से सुरक्षित किया गया है और अक्सर सैनिक द्वारा गश्त की जाती है। निजी सुरक्षा गार्ड बंदूक लेकर प्रमुख व्यवसायों के प्रवेश द्वार पर तैनात रहते हैं और पुलिस राइफलों से लैस होकर राजमार्गों पर अनियमित जांच करती है। सुबह के व्यस्त समय में भी भारी मशीन गनों से लैस फ्लैट बेड ट्रकों के पीछे सवार बालाक्लाव पहने सैनिकों को देखना असामान्य नहीं है। बहुत कम लोग उन्हें दूसरी नजर से देखते हैं। कुछ हद तक हिंसा को सामान्य माना गया है। अपने इतिहास के अधिकांश समय में इस छोटे से देश ने युद्ध के समय के अलावा लगभग कहीं भी अकल्पनीय स्तर की हत्याओं को झेला है। मुख्य रूप से मारा साल्वाडुचा और वेरियो 18 जो 2 गुटों में विभाजित हैं द्वारा की गई हत्याओं और बदला लेने की वजह से। इन मारा की उत्पत्ति लॉस एंजेलस के गिरोह से हुई। जब 1992 में अल साल्वाडोर का गृह युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका ने हजारों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया। कई लोग हिंसक सड़क संस्कृति और आपसी घृणा को वापस ले आए, जिसने कैलिफोर्निया में उनके अस्तित्व को आकार दिया था। पिछले 2 दशकों में वे कमजोर सरकार, भयंकर असमानता और संस्थानों और घरों दोनों में हिंसा की ओर एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय प्रवृत्ति के कारण अल साल्वाडोर में बढ़े, विकसित हुए और अधिक नरसंहार किया। वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से अल साल्वाडोर के गिरोह माफिया, याकूजा या कोलंबिया और मैक्सिको के नार्को कार्टेल की तुलना में अव्यवस्थित छोटे समूह हैं। वे बड़े पैमाने पर आकर्षक ड्रग तस्करी के कारोबार से चूक जाते हैं। भले ही दुनिया का ज्यादातर कोकीन अमेरिका जाते समय इसी देश से होकर गुजरता है, इसकी बजाय उन्हें स्थानीय बाजार में मारीजुआना और कोकीन का कम कीमत पर वितरण करना पड़ता है। उनकी बाकी आय डकैती और जबरन वसूली से आती है। अक्सर उनके अपने कम आय वाले समुदाय में जब प्रतिद्वंदी गैंगस्टर एक दूसरे को मारते हैं तो ये लगभग हमेशा गरीबों द्वारा गरीबों को मारने का मामला होता है। प्रतिद्वंदी माराओं के बीच लड़ाई के कारण हत्या की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, जो 2012-13
में सरकार समर्थित युद्ध विराम के दौरान घटकर लगभग 5 हत्याएं प्रतिदिन रह गई थी तथा इस वर्ष सरकारी दमन के परिणाम स्वरूप इसमें नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिससे पहले ही यह भयावह स्थिति और भी बदतर हो गई है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। नवीनतम उछाल से पहले भी भय दैनिक जीवन में व्याप्त था, विशेष रूप से गरीब समुदायों में, जहां गिरोह अपने अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। जो निवासी उनके बीच की अदृश्य रेखा को पार करते हैं, आमतौर पर एक हानि रहित दिखने वाला पुल, सड़क या पार्क, उन्हें पिटाई या यहाँ तक कि मौत का जोखिम होता है। टैक्सी चालक गलत मोड़ से डरते हैं, जो डकैती या अपहरण का कारण बन सकता है। शॉपिंग ट्रिप, प्रेमियों की मुलाकातें और फुटबॉल मैच सभी सुरक्षा चिंताओं से घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि घर पर रहना भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। क्या आप भी ऐसे भयानक शहर में विजिट करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।